हाय दोस्तों, मैं दीपक और मेरी आज की जो पोयम है वो उन लोगों के लिए है जिनकी मोहब्बत इनके महबूब उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और वो उनके लिए कुछ कहना या लिखना चाहते हैं पर कुछ कह नहीं पाते। तो सुनते हैं पोयम कि सुनाऊं किस्सा तेरी बेवफाई का, वो शायर मैं होना नहीं चाहता, और याद करके तेरे किसी भी गम को आज मैं रोना नहीं चाहता। और ये दुनिया गिनाए मुझे लाख बुराइयां तेरी, और ये दुनिया गिनाए मुझे लाख बुराइयां तेरी, पर ये पागल दिल है मेरा जो तुझे आज भी खोना नहीं चाहता। तो क्या हुआ जो मुकम्मल चैन भी तूने मेरा छीना है, पर अगर पूछेगा कोई मुझसे तो मुझे बस तेरे साथ ही जीना है। और गलत था मैं कि तू सिर्फ मेरी है मोहब्बत, गलत था मैं कि तू सिर्फ मेरी है मोहब्बत, पर तू न जाने कितने दिलों की आरजू है, फिर भी मैंने ये कह दिया है सबसे कि मेरा पहला वाला प्यार तू है। और ये जानता था मैं कि तू और तेरी सारी बातें हैं फरेबी, और ये जानता था मैं कि तू और तेरी सारी बातें हैं फरेबी, फिर भी मेरी इन आंखों में ख्वाब तेरा हर बार क्यों है, और लौट कर आता नहीं है कभी छोड़ कर जाने वाला, लौट कर आता नहीं है कभी छोड़ कर जाने वाला, फिर भी हर घड़ी से पहले मुझे लगा रहता तेरा इंतजार क्यों है। और अगर होती है मोहब्बत जैसे खुदा की इबादत, और अगर होती है मोहब्बत जैसे खुदा की इबादत, तो हर मोहब्बत का अंजाम होता बेवफाई क्यों है, और किया था खुद से ये वादा कि ना सोचेंगे तुझे एक पल से ज्यादा, फिर भी हर एक पल से पहले मुझे तेरी याद आई क्यों है। जो हुआ सो हुआ, फरेब का तेरे मैं तुझसे क्या इंतकाम करूं, और लिख के तेरे झूठ पे कविता मैं तुझे महफिल में क्यों बदनाम करूं। अब सभी से गुजारिश है मेरी इन लाइनों को नहीं मेरे दिल के दर्द को समझना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अपने झूठे महबूब के बारे में लफ्जों से।